फरीद मलिक फ्रॉम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। मैंने जो शमी भाई का बॉल देखा, उसका बॉल बहुत अच्छा आ गया था नो, इसलिए मैंने उसकी साथ बात किया कि प्लीज डॉक्टर साहब की मुझे एड्रेस दे दो कि मैं भी जाऊँ और मेरा बॉल भी आप जैसा आ जाए। मेरे साथ फरीद हैं। फरीद जो है अफगानिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम के एक्टिव प्लेयर हैं और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में उसमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी टीम का रहा, आप सबको पता है कि बहुत ही उभरती हुई टीम है और रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ उसमें भी ये लोग जो है सिल्वर मेडल लेके आए। आपकी उम्र केवल 28 साल है, उस स्पीड से आपकी इतनी कम एज पे थोड़े आपका जो बॉल्डनेस है एडवांस ग्रेड पे चला गया है। आपका जो सेंट्रल फोर लॉक है वो थोड़ा सा मेंटेन्ड है, इस वजह से आपका जो बॉल्डनेस है कोई देखेगा तो उसको बहुत एडवांस नहीं दिखेगा, बट इस फोर लॉक के जस्ट पीछे आपका फिर से एरिया खाली है। 25 या 23 साल से कम की एज पे हम रिकमेंड करते हैं कि ना करें और दवाइयों से कोशिश करें रोकने की, बट क्योंकि अब ये एरिया पूरा जा चुका है ये दवाइयों से ग्रो नहीं करेगा तो सर्जरी इज द राइट डिसीजन। सर्जरी को करना काफी सेफ है और एक हफ्ते बाद आप पूरा फुल फ्लेज्ड क्रिकेट खेल पाएंगे इंशाल्लाह, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। सर्जरी में सच कोई बेड रेस्ट, कोई लंबे एक महीने के बेड रेस्ट में कि आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी वैसा कुछ नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये 6 महीने बाद या 8 महीने बाद अब कि सही बाल आ जाएगा, उसकी वेट करेंगे कि रिजल्ट अच्छा हो जाए। अभी तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में तो हम सालों से आ रहे हैं, इंडिया के लोग बहुत प्यार देते हैं हमको, जो वो क्रिकेट की फील्ड में होता है अगर हम घूमते हम बोले हम अफगानिस्तान से है तो लोग बहुत इज्जत देते हैं। थैंक यू टू इंडियन पीपल। जो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था सारे लोगों ने देखा था, जो अफगान आउट ऑफ कंट्री रहता है उसने भी मैसेज किया है और अफगानिस्तान में भी लोग थे। इंशाल्लाह मैं उसको भी बोलूँगा अगर हमारा रिजल्ट अच्छा जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। हम बहुत खुश हैं इंडिया से और अभी देखेंगे कि हमारा बाल कैसा आता है, तो थैंक यू।